इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कश्मीर में सिख बेटियों के खिलाफ लव जिहाद का मुद्दा दिल्ली में होम मिनिस्ट्री तक पहुंचा है। सिख संगठनों ने सरकार से मांग की है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाए। उधर जम्मू में एक सिख बेटी की घर वापसी हो गई है। लड़की का जबरदस्ती बंदूक की नोक पर जबरन निकाह करा दिया गया था। ये दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे की तस्वीर है। दो दिन पहले जिस लड़की का कश्मीर में अपहरण के बाद धर्म परिवर्तन और जबरन निकाह हुआ था, कल उसकी घर वापसी हो गई। कश्मीर में एक सिख युवक के साथ धार्मिक रीति रिवाजों के साथ शादी हुई और उसके बाद गुरुद्वारे में मत्था टेकने पूरा परिवार दिल्ली पहुंचा था। मनमीत कौर परिवार के पास वापस तो आ गई है, लेकिन सिख समुदाय को डर है कि फिर से कहीं कोई और निशाना न बन जाए, किसी और लड़की को बंदूक की नोक पर न उठा लिया जाए। इसलिए उनकी मांग है कि यूपी और एमपी की तरह जम्मू कश्मीर में भी लव जिहाद के खिलाफ कोई कानून हो। हमने जो कश्मीर के सिखों का इशू है वो हाईलाइट किया कि अगर उसमें कुछ देरी हो रही है तो ऑर्डिनेंस करके भी सरकार इसको वहाँ पे ये कानून ला सकती है। इसके अलावा जो और प्रॉब्लम्स हैं जम्मू कश्मीर के सिखों की, उनकी नौकरियों की, मिनोरिटी स्टेटस की, पंजाबी सेकंड लैंग्वेज की, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की रिजर्वेशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन में, ये सारी चीज़ें हमने मंत्री जी को अपने मेमोरेंडम में दी है। और जैसे मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि ये गृह मंत्री जी से बात करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसको हमारे जो इश्यूज हैं वो सामने रखेंगे और इस पर ज़रूर फैसला लिया जाएगा। 18 साल की इस लड़की का निकाह 62 साल के एक अधेड़ के साथ कर दिया गया था, जिससे शादी हुई उसके बच्चे भी थे। परिवार वालों ने जब शिकायत की और मामला थाने कोतवाली होते हुए जब सड़कों पर आ गया तो लड़की को छोड़ दिया गया, लेकिन दूसरी लड़की कहाँ है किसी के पास कोई जानकारी नहीं। और अब ये मुद्दा दिल्ली में गृह मंत्रालय तक पहुंच चुका है। सिख समुदाय के लोगों की शिकायत है कि कश्मीर में भी अब मुसलमान लड़के अपनी पहचान छुपाकर सिख लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। कई मामलों में बंदूक की नोक पर सिख बेटियों को किडनैप करके उनका निकाह बड़ी उम्र के मुस्लिम लोगों से कराया जा रहा है। कश्मीर में, जम्मू में जो 18 साल की एक लड़की को जोर जबरदस्ती से कन्वर्शन किया है, ऐसा ये गलत है। इस विषय पर डेलीगेशन मेमोरेंडम दिया है। मैं इस विषय पे आदरणीय गृह मंत्री जी से चर्चा करके जो कार्रवाई होना है भारत सरकार इस विषय पर विचार विमर्श करते हैं। जबरन धर्म परिवर्तन की खबरें पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सुर्खियां बनती थीं, लेकिन अब जबरन निकाह कराने का मामला कश्मीर घाटी तक पहुंच चुका है। सिख समुदाय दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक मोर्चा खोल चुका है। जांच एजेंसियां सच का पता लगा रही हैं, लेकिन इस घटना ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह कश्मीर में भी लव जिहाद का कानून बनने की जरूरत पड़ गई है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।